ज्ञानवाणी खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं रायसेन की तस्वीरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। करना चाहे सरकार लगातार उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान रोजगार परक व्यवस्थाओं का है, उद्योगों का है, और उद्योगों से समृद्धि आती है दोनों तरफ से। हमारे प्रदेश भी समृद्ध होता है, जिनके काम की जरूरत है उनके हाथ में काम मिलता है, और इसी के अलावा हमारे अपने देश की दुनिया में पहचान बनती है। हजारों साल से भारत की पहचान एक अलग प्रकार से रही थी, काल के प्रवाह में हमारे यहाँ बहुत सारी विसंगतियां हुई कि आक्रांता है, और आक्रांताओं ने हमारे अपने देश को लूटा खसोटा और तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से दुराव्यवस्था बदल दिया। उसमें हमारे स्वाभिमान को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, सबको नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन परमात्मा की कृपा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई बात है अपने देश के लिए परमात्मा की विशेष। दुनिया में कई आए और कई गए, हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता है, हमको कोई झुका नहीं सकता है। हर दौर में, हर काल में, हर परिस्थिति में भारत के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। हम अपने अपने वो गौरवशाली पक्ष जिनके कारण से भारत में भारत की न केवल आंतरिक शक्ति बल्कि भारत की अंदर की एकात्म मानव की जो दृष्टि है वो दुनिया आज भी उसको अलग रूप में देखती है, और यही कारण है कि एक नया इतिहास बन रहा है। 22 तारीख को हमारे देवस्थान को नष्ट भ्रष्ट जिनने किया था, ये न केवल उनके मुंह पे तमाचा है बल्कि अभी भी छोटे मोटे उनके साथ वाले उनके सुर में सुर मिला के बात करते हैं, भैया तोड़ा किसको था। अरे किनको तोड़ा था, तुमको आज भी कष्ट है जिस बात को लेकर के हम हिंदू और मुस्लिम सभी भाई बहन मिलकर के अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कांग्रेस के नेताओं को ये कष्ट है। आपने तोड़ा किनको था, बना किसको रहे। अरे भैया अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बनेगा तो किसका मंदिर बनेगा। अभी भी तुम्हारे मन में कष्ट है, अभी भी तुम्हारा पेट दुख रहा है, अभी भी आपका मन भरा नहीं है। तुम्हारे इसी भावों के कारण से ये देश में कई कई दंगे हुए, कई लोगों की प्राणांत हुए, कई लोग परेशान हुए। हम तो ये चाहते, मैं तो सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, जहां पर 5 जजों की बेंच ने, उसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, लेकिन माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति ही होते, सर्वानुमति से जिनने फैसला दिया, ऐसे फैसले दिए गए स्थान के ऊपर भी ऐसे वक्तव्य जो तथाकथित कांग्रेस के नेता दे रहे हैं उनसे उनके उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रश्न उठता है कि वो गलत फैसला दिया क्या उनने। अरे जिनने फैसला दे दिया, ये हमारी सरकार है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, जिनने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, फैसले का पालन अयोध्या में हुआ, पूरे देश ने स्वागत किया, ये हमारा सौभाग्य है। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने तो 35 साल पहले भी फैसला दिया था, जिस फैसले में 3 तलाक को लेकर निर्णय किया था, और 3 तलाक के निर्णय में 3 तलाक को गलत सिद्ध किया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने, यद्यपि ये जगह नहीं है बात करने की, लेकिन कोई छेड़ेगा तो हम भी छोड़ने वाले नहीं है, ऐसे भाव को बर्दाश्त करने वाला देश भी नहीं है, ना देश की मानसिकता है। अभी भी समय है, समझ जाओ। आपको तो प्रेम से निमंत्रण दे रहे हैं कि भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लोगों ने अपने पास से धन दिया, पैसा दिए, लोगों ने प्राण दिए, अपने आप को बलिदान किया, लेकिन आप आके भगवान की प्रतिष्ठा में भी सम्मिलित नहीं हो पा।